Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about compound proposition, representation of proposition, negation of a proposition, and some of the examples. In last lecture, we have already discussed what a proposition is. Here are some of the examples. Islamabad is the capital of Pakistan. 2 plus 2 is equals to 4. Grass is red. These all statements are declarative statements, so we call them to be a atomic proposition. Why are we calling them to atomic proposition? क्योंकि यहाँ पे आप देखो हर statement सिर्फ एक information दे रही है, एक single sentence है. हम एक sentence जब हो, एक statement हो, तो उसको हम कहते हैं these are known as atomic proposition. जब हम proposition की बात कर रहे होते हैं, तो proposition में हमारे पास हमारी जो statements होती हैं, उनकी different length होती हैं. कुछ बहुत छोटी होती हैं, कोई लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं. हम अपनी प्रोपोजिशन को डिफरेंट वेरिएबल या लेटर के साथ डिनोट कर देते हैं. एज अ रिजल्ट जो हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, वी कॉल देम टू बी द प्रोपोजिशनल वेरिएबल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास कुछ प्रोपोजिशन है. हमने पहले बात की इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, 2 + 2 = 4, ग्रास इज रेड. अब ये सारी प्रोपोजिशन हमारे पास एक सेंटेंसेस की फॉर्म में है. हम इनको कुछ वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, प्रोपोजिशन इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ वेरिएबल पी. सेम 2 + 2 = 4 को हम क्यू वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. ग्रास इज रेड को हम जी वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लॉन्ग सेंटेंस, लॉन्ग स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, हम अगर सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिससे हमने उस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन को डिनोट किया है, हमारा बहुत सा टास्क बहुत छोटा और ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट टास्क हो जाता है. टिल नाउ हमने जितनी प्रोपोजिशंस को डिस्कस किया, दे ऑल वर एटॉमिक. सिर्फ एक सेंटेंस पे डिपेंड कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करते थे. बट डेली लाइफ में हमारे आर्ग्यूमेंट्स जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते, दे आर द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स. हम अपने एटॉमिक स्टेटमेंट्स को, एटॉमिक प्रोपोजिशन को यूज़ करते हुए कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं. और इन कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जिनको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कहते हैं. जो न्यू प्रोपोजिशन क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशन, वी कॉल देम टू बी अ कंपाउंड प्रोपोजिशन. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. हमारे पास कुछ एटॉमिक प्रोपोजिशंस गिवन है. ऑल दिस प्रोपोजिशंस आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल्स पी, क्यू, आर. टोटली अप टू योर चॉइस, हम जो सा मर्जी वेरिएबल यूज कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द कंपाउंड प्रोपोजिशन. लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 2 + 2 = 4. हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी एक प्रोपोजिशन थी दैट इज़ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एंड सेकेंड एटॉमिक प्रोपोजिशन थी 2 + 2 = 4. दोनों को कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर दैट इज़ एंड. यहाँ पे हमने अपनी प्रोपोजिशंस को फुल सेंटेंस की फॉर्म में लिखा. अब यहाँ आप देख सकते हो हमारा सेंटेंस, हमारा स्टेटमेंट लंबी हो गई है. बार बार अगर हमें रिपीट करना पड़ेगा, हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा. फिर हम यहाँ पे वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेते हैं. अब आप यहाँ पे चेक करो, हमने इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को डिनोट किया था पी के साथ, 2 + 2 = 4 को डिनोट किया था क्यू के साथ. सिंपली हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ दोज प्रोपोजिशन हमने वेरिएबल्स का नाम लिख दिया. एज अ रिजल्ट हमारी स्टेटमेंट बहुत छोटी बन गई, दैट इज़ पी एंड क्यू. एंड इज़ अगेन द सेम ऑपरेटर जिसकी हमने अभी बात की है. अनदर एग्जांपल, 2 + 2 = 4 और इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. अब यहाँ पे आप देखो, जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में कहा था वही एटॉमिक प्रोपोजिशन यूज़ हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया. अलॉन्ग विद द ऑर्डर आपका ऑपरेटर भी चेंज हो गया. तो जब आप इसको वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन में जाओगे, अब हमारा वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन में भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा. क्यू और पी, जो आपका ऑपरेटर था लास्ट टाइम एंड था, नाउ वी हैव इन द ऑपरेटर और. इन ऑपरेटर्स को डिटेल में हम फर्दर डिस्कस करेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ़ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, देन 2 + 2 = 4.
हमने अपनी टू प्रोपोजिशंस को जॉइन किया है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव इफ देन। इनको हम वेरिएबल में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा इफ पी देन क्यू। हमारे पास वेरिएबल्स उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में हमारे पास लॉन्ग स्टेटमेंट गिवन थी। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ कंपाउंड प्रोपोजिशन विद द हेल्प ऑफ जस्ट एटॉमिक प्रोपोजिशन एंड सम ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटिव्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स। दे आर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे दे विल बी निगेशन, और उसको हम नॉट भी कहते हैं, कंजंक्शन एंड ऑपरेटर, डिसजंक्शन और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और समटाइम्स ऑल्सो नोन एज जॉर, इम्प्लीकेशन इफ देन, बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ। लेट्स डिस्कस आर फर्स्ट ऑपरेटर, दैट इज निगेशन ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। लेट्स कंसीडर हमारे पास कोई प्रोपोजिशन गिवन है और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेरिएबल पी के साथ। जब आप उसको निगेट करोगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टू डिफरेंट सिंबल्स के साथ। ये सिंबल्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ताकि हमें शो कर सकें कि आपने ओरिजिनल स्टेटमेंट को निगेट कर दिए। अब निगेट करने का क्या मतलब है कि हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन थी ओरिजिनली हम उसका एग्जैक्ट एंटायरली ऑपोजिट बात कर देते हैं, और जब ऑपोजिट बात करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारी ट्रूथ वैल्यू भी चेंज हो जाती है। हमारे पास अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी तो न्यू निगेटेड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है, एंड इफ अगर आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट फॉल्स थी तो हमारी निगेटेड प्रोपोजिशन ट्रू हो जाती है। और उसको हम यूजुअली अपने जब स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, अगर आप वेरिएबल में नहीं कर रहे पूरी लॉन्ग स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट द केस दैट पी, पी इज़ वट एवर योर प्रोपोजिशन इज, आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो। हियर वी आर गिवन विद द ट्रूथ टेबल। इस ट्रूथ टेबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपका प्रोपोजिशन पी है और ओरिजिनली उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो जो आपका निगेटेड प्रोपोजिशन आ जाएगी दैट इज़ निगेशन ऑफ पी, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आपके पास फॉल्स हो जाएगी। अगर ओरिजिनली आपके पास फॉल्स थी तो जब आप निगेट कर दोगे तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। उसने आपको हर पॉसिबल ओरिजिनल वैल्यू और उसकी आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेटर जो वैल्यू आएगी ट्रूथ वैल्यू वो शो कर दी है हमने यहाँ ट्रूथ टेबल में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमें ओरिजिनली स्टेटमेंट गिवन है देर आर 10 चेयर्स इन दिस रूम। हमें एक पूरी स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, हमने उसको एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और वो वेरिएबल है पी वेरिएबल। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने निगेशन करनी है, हमने किया निगेशन ऑफ पी, निगेशन का साइन शो किया कि आपने इसको निगेट कर दिया, और हमने उसको जब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो हमारे पास होगा इट इज़ नॉट द केस दैट देयर आर 10 चेयर्स इन दिस रूम। या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अगेन निगेशन ऑफ पी के साथ, और इंग्लिश में हम लिख दें देयर आर 5 चेयर्स इन दिस रूम। ओरिजिनली जो बात हो रही थी 10 चेयर्स की वो एंटायरली चेंज हो गई, अब हमने उसका काउंट ही बदल दिया। ओरिजिनली लेट्स कंसीडर हमारे पास जो प्रोपोजिशन थी दैट वॉज अ ट्रू प्रोपोजिशन, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे पास न्यू निगेटेड प्रोपोजिशन आ जाएगी उसकी ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। ओरिजिनली ट्रू, योर निगेटेड स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ग्रास इज रेड। आर फर्स्ट स्टेप विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोपोजिशन विद अ प्रोपोजिशनल वेरिएबल, इसलिए हमने एक वेरिएबल पी चूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप इज हम उसको डिनोट कर देंगे निगेशन ऑफ पी के साथ, एंड इट विल बी लाइक इट इज़ नॉट द केस दैट ग्रास इज़ रेड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ग्रास इज नॉट रेड और ग्रास इज ग्रीन। ग्रास इज ग्रीन इज एंटायरली ऑपोजिट ऑफ ग्रास इज रेड। आफ्टर राइटिंग द निगेशन हम इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम सबको पता है ग्रास इज रेड फॉल्स स्टेटमेंट है, तो जब आप इसकी निगेशन कर लोगे तो निगेशन विल बी एंटायरली ऑपोजिट ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो आपके पास जो न्यू ट्रूथ वैल्यू आएगी दैट विल बी ट्रू फॉर द निगेटेड स्टेटमेंट। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज करो, इन एक्टिविटीज़ को, ये स्टेटमेंट्स को खुद सॉल्व करो, इसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। योर प्रोपोजिशंस आर टुडे इज़ फ्राइडे, 3 + 5 = 8, माई नेम इज राबिया।
Now let's discuss the solution of your activity problems. Today is Friday. हमारे पास जो proposition given है आप उसको variable के साथ represent करोगे. Again choosing the variable P, आप same variable दे सकते हो, you can choose any other variable. Negation of P will be, it is not the case that today is Friday or today is not Friday. It is not Friday today. There are multiple ways आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो. नेक्स्ट आप इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ओरिजिनली अगर हम बात करें तो आज फ्राइडे है, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू. अब इसकी आप निगेटिव स्टेटमेंट को फाइंड आउट करोगे, सो ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स. ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 3 + 5 = 8. वी विल रिप्रेजेंट इट विद सम वेरिएबल q = 3 + 5 = 8. आफ्टर निगेटिंग इट हम निगेशन ऑफ क्यू को लिखेंगे, 3 + 5 = 8. नाउ लेट्स फाइंड द ट्रूथ वैल्यू. वी ऑल नो 3 + 5 = 8, सो द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. जब आप निगेशन की फाइंड आउट करोगे, वी ऑलरेडी नो वो हमेशा इसका ऑपोजिट होगा. वी कैन डायरेक्टली राइट इट फॉल्स क्योंकि हमने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जो ओरिजिनल के ऑपोजिट है. या फिर अगर आप इसको आइडेंटिफाई भी करो, हमें पता है 3 + 5 = 8, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माय नेम इज राबिया, रिप्रेजेंटेड विद सम वेरिएबल p = my name is Rabia. निगेटेड, निगेशन ऑफ p विल बी, इट इज नॉट द केस दैट माय नेम इज राबिया. माय नेम इज नॉट राबिया, माय नेम इज अफनान. आप किसी भी तरह इसको रिप्रेजेंट कर दो, दैट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. Now find out its truth value. Let's say मेरा नाम एक्चुअली में राबिया नहीं है, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. सो द निगेटेड स्टेटमेंट होंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू. टाइम फॉर होमवर्क, यू आर गिवन विद प्रोपोजिशंस, यू आर सपोज टू निगेट दैम. योर स्टेटमेंट्स आर 2 + 1 = 3, देर इज नो पोल्यूशन इन वर्ल्ड, 121 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, उस्मान हैज़ एन MP3 प्लेयर. That's all for today. Thanks for watching.